अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी तरकीब है मटका कुल्फ़ी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इंग्रेडिएंट्स: क्रीम 500 ग्राम्स, ड्राई मिल्क 7 टेबलस्पून्स, शुगर पर टेस्ट, आलमंड्स 8, पिस्ताशियो 10, कैशू नट 10, कुरा वाटर 1 टेबलस्पून, कार्डमम 8। अब मैं सबसे पहले इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में पीस लूँगी। ज़ाहिर है ड्राई मिल्क तो पहले ही पाउडर की शक्ल में है, तो इलायची, काजू, पिस्ता, बादाम और चीनी सारों को मैंने ग्राइंडर में डाल के तो देखें पाउडर की शक्ल में इनको भी पीस लिया है, और ताकि आखिर में कुल्फ़ी की जो एक कंसिस्टेंसी है वो हमें मुनासिब सूरत में मिल जाए। ये बिल्कुल पाउडर की शक्ल में सारी चीज़ें पिस गई हैं। तो एक बाउल में अब मैंने क्रीम डाली है। क्रीम जो है वो 500 ग्राम्स है। तो देखें ये ज़रा ना बहुत थिक है, तो इसको अच्छी तरह से बीट करना है ताकि ये अपनी बेहतरीन शक्ल में आ जाए। अच्छी तरह इसको जितना अच्छी तरह बीट करेंगे उतना ही अच्छी तरह बाकी चीज़ें भी इसमें मिक्स होंगी। अब मैंने इसमें ड्राई मिल्क डाल दिया है। अब इसको भी उसमें डाल के तो बहुत अच्छी तरह से फेंटना है। जब इसको अच्छी तरह से फेंट के इस तरह की सूरत बन जाए तो इसमें वो सारे जो ड्राई नट्स थे, चीनी थी, इलायची थी, ये सब कुछ भी अब मैंने डाल दिया। तो ये थोड़ा इसका मवाद सख्त था तो मैंने उसमें थोड़ा सा दूध मिक्स कर दिया है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर दूध का मैंने इंग्रेडिएंट्स में नहीं बताया तो आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। इसको थोड़ा पतला करने के लिए हम दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्योंकि ये मुनासिब तरीके से फेंटी जा चुकी है तो अब मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है वो क्यूड़ा वाटर डाल दूंगी। अब इसको दोबारा से मैंने फेंट दिया था, बहुत ही मुनासिब अब ये बन के तैयार हो चुकी है। अब इसको मैं इन मटकियों में डाल दूंगी ताकि इसको फिर रेफ्रिजरेटर में रख के 2 से 3 घंटे रखेंगे तो ये कुल्फ़ी या आइसक्रीम में तब्दील हो जाएगी। आप इसमें चीनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। बहुत ही मुनासिब और बहुत ही मज़ेदार मवाद अब बन चुका है और इसका ज़ायका बिल्कुल खोए वाली कुल्फ़ी के मुताबिक है। अब मैंने इसको इन मटकियों में डाल दिया है और जो बाकी बच जाएगी वो मैं एक डब्बे में डाल दूंगी। बाज़ औक़ात हमारे पास वो कुल्फ़ी जमाने वाले सांचे भी होते हैं, उनमें भी आप डाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास मटकी नहीं है तो अब आपने कुल्फ़ी नहीं बनानी। आप किसी भी कोई छोटे से कप हों या ग्लास हो, किसी किस्म की भी इस तरह की चीज़ हो तो आप उसमें इसको डाल सकते हैं। ये देखें ये जो बाकी बच गया था मवाद वो मैंने एक डब्बे में डाल दिया है। तो अब मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया है तो तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद मैंने अब इसको निकाला है। तो अब देखें इंतहाई मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत कलर और सारा कुछ बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बन के तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर एंड में मैंने चांदी के वर्क लगाए हैं और कुछ जो ड्राई नट्स थे वो मैंने काट के तो इसके ऊपर छिड़क दिए हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार और बिल्कुल खोए वाली कुल्फ़ी की तरह की कुल्फ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। और
इस वक्त मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो इस कुल्फ़ी को हम ज़रूरी नहीं कि एज ए कुल्फ़ी ही इस्तेमाल करें, हम फलूदा बनाएं तो उसमें भी इस कुल्फ़ी को हम बड़े अच्छे तरीके से डाल के खा सकते हैं। गर्मियां आ रही हैं और गर्मियों में तो ये बहुत ही मज़ेदार है और आसान तरीके से बन जाती है। आप सब ने देख लिया है कि इसको बनाना बहुत आसान है और इंग्रेडिएंट्स मिलने भी कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि एंड के ऊपर मैंने इस पे वर्क भी लगाया है चांदी का और इस तरह इसके ऊपर स्प्रेड किया है। उम्मीद है कि आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और आने वाली गर्मियों में तो बार बार बना के खाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर भी करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।